मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जो कि एंटी टेररिस्ट फ्रंट चलाते हैं उसके चेयरमैन हैं और यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं बिट्टा जी के एक फर्स्ट रिएक्शन ले लेता हूँ। बिट्टा जी, फर्स्ट रिएक्शन, क्या यही बदलाव था, क्या इसी टीम का इंतजार था? अच्छे दिन शुरू होंगे आज शाम 6 बजे से, क्या अच्छे दिन शुरू हो गए? आपको ये टीम पसंद आई? जो मनोज कुमार जी ने कहा वो बिल्कुल सच था, और मनोज कुमार जी हो या लता मंगेशकर जी हो, इन्होंने कभी किसी पॉलिटिशियन की तारीफ नहीं की, ये बड़े न्यूट्रल आदमी हैं। इन्होंने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया और उनके बारे में जो कहा इसमें बिल्कुल सच्चाई है। इसमें कोई, हम ये नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी आज बीजेपी के प्रधानमंत्री बने हैं। नरेंद्र मोदी जी जो आज बने हैं वो हिंदुस्तान की करोड़ों करोड़ों लोगों के प्रधानमंत्री बने जो देश को चलाएंगे। मैं कांग्रेसी हूं उसमें वो बात अलग है। सबसे बड़ा हमारा मुल्क है, हमारी भारत माँ है। आज भारत माता की आजादी की रक्षा कौन कर सकता है? आज भारत माता की सीमाओं की रक्षा कौन कर सकता है? आज भारत के अंदर करप्शन को कौन दूर कर सकता है? वो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। उसमें मैं राजनीति करूं मुझे देश की जनता माफ नहीं करेगी। देश के लोगों की उम्मीदें हैं और मैं गारंटी से कहता हूं, मैं को उनका स्पोक्समैन नहीं हूं बीजेपी का या नरेंद्र मोदी का, पर विचारधारा को आजाद रखते हुए कहता हूं, ये कोई फरिश्ता दिया है भगवान ने हमें इस देश को, जो आने वाले वक्त के अंदर इस देश की आजादी की रक्षा करेगा। तो हम बता दें, अक्षय जी आइए, आपका स्वागत है। और ये हमने आपके लिए एक सरिया जी, इन्होंने आतंकवाद पर फिल्म बनाई है और आप आतंकवाद पर पूरा फ्रंट चला रहे हैं, आप एक मुहिम छेड़े हुए हैं आतंकवाद को लेकर, और आपने फिल्म देखी इनकी? मैं आज सुबह, क्योंकि ये आतंकवाद से जुड़ी एक पिक्चर थी जी, और ये पिक्चर का जो मैसेज है हॉलीडे का, ये पूरी देश की जनता को, आम नागरिक को, स्टूडेंट को वो दे रहे हैं कि हर आदमी फौजी बने, हर व्यक्ति देशभक्त बने, हर व्यक्ति भारत माता की आजादी की रक्षा की अपने सिर के ऊपर जिम्मेदारी ले। और जहां तक नवाज शरीफ जी की बात है, कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को यहां नहीं बुलाना चाहिए था। मैं ये कहना चाहता हूं, जो नरेंद्र मोदी जी ने स्टैंड लिया, मैं कट्टर विरोधी हूं आतंकवाद का, ISI का, वहां की आर्मी का, मैं कट्टर विरोधी हूं, पर आज अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उनको बुलाया होता मैं जरूर विरोध करता, पर नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया मैं विरोध इसलिए नहीं करता हूं। जैसे अभी मनोज कुमार जी ने कहा, प्राण जाए पर वचन ना जाए, अगर भारत माता की आजादी की रक्षा के ऊपर कोई खतरा दोबारा हुआ आज के बाद, अगर हमारे 2 जवानों के सिर कटे, मैं गारंटी से कहता हूं 10 जवानों के उनके सिर काट के उनके हाथ में दे देंगे, हम रखते जमीन। दूसरा, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, एक ऐसी पिक्चर बनी हॉलीवुड हॉलीडे, ऐसी पिक्चर बनी है, आप खुद भी देखिए, बच्चों को दिखाइए, ताकि उनके अंदर एक ऐसा जोश, ऐसा जज्बा बने कि वो पिक्चर देख के बाहर आके मौत का कफन बांध के भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए सामने आता हूं। और मैं भारत माता की जय, और बिट्टा जी में जो जनून है वो मैं ये चाहता हूं कि पूरे भारत वर्ष में जो बिट्टा जी के लिए देश में इतना जनून है, वो हर आदमी के अंदर ऐसा जनून होना चाहिए। और जो मोदी जी ने, थैंक यू मोदी जी, उनको एटलीस्ट देखो जी, खास तौर पे अक्षय कुमार जी को देख के और जोश में आ चुके हैं, मेरा नाम तो ऐसे ले दिया, उनको देख के जो जोश में है। सवाल सबसे बड़ा ये है, सर अगर वो मेरे फैन है, मैं आपका फैन हूँ सर, मैं सच्ची कह रहा हूँ बेटा जी, अक्षय कुमार, मैं करीबन 3 दिन से इनके साथ घूम रहा हूँ, मैंने जो इनके किस्से सुने हैं, मैं कहता हूँ आई सल्यूट दिस मैन, जिस हिसाब से इन्होंने, मतलब इनकी जो जिंदगी के बारे में मुझे नहीं पता, कई लोग जानते कि नहीं, आई एम श्योर कई सारे जानते होंगे, बट ही इज अ मैन, आई वुड स्टैंड अप एंड सल्यूट हिम, आई वुड सल्यूट यू सर। मैं क्यों अक्षय कुमार जी के साथ हूं आज 4-5 दिन से, क्योंकि अक्षय कुमार जी का जो एक रोल है देश प्रति, आने वाली जनरेशन को एक नई सोच देना, एक सही दिशा पे लेके जाना, और फौज के कैंप में जाकर के उन फौजियों के अंदर एक नया जज्बा पैदा करना, इसलिए मैं इनके साथ हूं कि ये चाहते हैं हमारे जो युवा है जो आगे बढ़े, उनकी एजुकेशन अच्छी हो, वो खिलाड़ी अच्छे बने, वो देश की सेवा करें।
और इनका एक ही मिशन है, मैं कोई भी पिक्चर बनाऊं वो भारत माता के साथ जुड़ी हो, वो फौजियों के साथ जुड़ी हो, वो देश की आजादी की रक्षा के साथ जुड़ी हो, मैं इनको सलूट करता हूं। कुछ लोग जहां यहां खड़े बिट्टा साहब बोल रहे हैं, बिट्टा साहब अक्षय कुमार जी नरेंद्र मोदी जी से आज नहीं कम से कम 4 साल पहले बात कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी अब जब भी किसी पोजीशन पे जाएंगे, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि जो भी स्टूडेंट स्कूल से कॉलेज में जाए वो सबसे पहले मिलिट्री की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये अक्षय कुमार जी कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं।